साले का गद्दे लगा। करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत, माता का लेगा आशीर्वाद। जय हो माँ बाला सुंदरी। ओके जी, लेके बाबा जहर वीर का नाम, हम हो चुके हैं अपनी कार में सवार यात्रा के लिए, और आगे से हम पिक करेंगे अपने कुछ भाइयों को। जुड़े रहे हमारे ब्लॉग में, हमारे साथ हमारे छोटे जीजा जी हरदेव और हमारे बड़े जीजा जी संजीव। कुछ खौफनाक वैसी दरिंदे जो है, आप साफ साफ उनकी वैसियत देख सकते हैं किस प्रकार से खड़े हैं यहाँ पर कुत्ते जैसी शक्लों के साथ। ये 1500 रुपए लख रुपए दान मोहन उगाड़े के नाम, और यहाँ पर हमारे भाई गूगल पे करते बढ़ चढ़ के जो है सहयोग देते हुए बने रहो भाई। हाँ जी हाँ। और यहाँ पर हमने करा ली अपनी गाड़ी की टंकी फुल। सबसे पहले हम जाएंगे बागड़, चलते हैं आगे की तरफ भाई। सबका अपना अपना रोल है भाई, सारे बंदे माथा टेकन जाए हरियाणा घर। मैं तो तरह राजस्थान में जड़ी बूटियां देखूंगा, कब बाल बाल उगने की दवाई मिलागा वहां से। हाँ भाई पूछिए रे सलाम आगे आ जाओ आए बस पिछड़ आगे। रुक चुके हम रास्ते में, यहाँ पर चाय का जुगाड़ लगाते हैं, चाय बनाने की कोशिश करते हैं। व्यू देखिए यहाँ पर कितना अच्छा है, गोते मारो पानी में पड़ जाओ नानो किसी, पर पानी गंदा है रहा। ओ दांत क्या दिखा रहा, अंदर नहीं करता कुत्ते वर्गे दांत है। वो थारी बाण का सांप इन्हें भी दांत अंदर कर लिए, कभी पॉइंट मार दूं। ये मांगने वाले हो क्या अलवा बैठा, कहाँ जाके सब मांगन पकवान बने इन सबरे गलास ठाका खड़े की नहीं भुक्के नंगे साले दूध उबला नहीं भुक्के नंगे गलास लेकर खड़े के तीचो। अंखा मना पाई दिए तो ऊपर देना छोड़ देना। भाई कॉफी तैयार है यहाँ पर, इज्जत की नमकीन ली ना भाई। एक तो इस बंदे नू, अरे एक इस हैवान नू टेंशन हो रही है नमकीन की, डब्बा खाली कर दिया ना नू। सांप सूप ना आ जाएगा दी, और उड़ा सी पड़िया भाई पड़िया तो लग रहा है मुच्छी आता भाई ने दियो। ई फोन देगा साले, यात्रा खराब करो होगा हमारी, बुर्ज कर लेंगे दो बारी दंत लगा दिए ना बुर्ज का भी लगा दिए। ओ भाई सांस भी ले ले एक बार भाई, पूरा पूरा कर गया मोहन पूरा साहब। क्या बनाने इसकी बहु बढ़वा ना इस पर दे बढ़वा भी कोई सागा तुम बढ़वा भाई कोई सागा आकते कहा भाई आकते कहा का भाई रोटी बना लागला और अब हमने पी लिया कॉफी और दे रहे हैं यहाँ पर कप को विदाई। ला भी पहुंच का फोन कर दिए बाय बाय। ओ पहुंच भी जी, ये किस हिसाब से चल रहा, राम राम ते स्पीड सी बढ़ा ले। नहीं कॉफी पी लिया अपन, अब चल दिया फिर से जो है अपने बागड़ की यात्रा की तरफ। और देखिए इसकी आंखों में जो है लोलो लोलो बीन हो रहा है हमारे भाई की आंखों में। ओ सॉरी क्या बोलते हैं, क्या हो रहा, आई ब्लू मोतिया बींद। और इसकी जो है मापे की जो है बकरी की आंखें मिली है, थोड़े दिनों बाद इसकी बकरी की आंखें चेंज करवा दी जाएंगी। इसमें बैठ कर हमारे रास्ते का मजा खराब कर रहा है ये तुच्छ प्राणी, कहां से आया ऐसे खिड़की खोल के बाहर फेंक दिया। असली व्यक्ति से कृपा दूरी बना के रखे हम अपने ब्लॉग के माध्यम से, आप सभी से यही बताना चाहेंगे। ओ भाई अपना ब्लॉग नहीं बनावा क्या, मानना नहीं पाए चेतने क्या, इतनी बड़ी सिगरेट बाल का किन्ना धर के रोड के बीच में टैप होगी तो आई है कि अरे क्या सोता है ओ काका, क्या क्या हिलायो
में कुछ इस प्रकार है कि हमें पता लगा है कि यहाँ पर जो है अवरोहा जो है महाराजा अग्रसेन और भी फेमस मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। उसके पीछे की भी कोई कथा है, वो हम बाद में बताएंगे आपको क्या है। तो हम फिलहाल जो है वहीं पर जा रहे हैं, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या कुछ है वहाँ पर। अवरोहा की जो है पार्किंग है, ये यहाँ पर बहुत ही शानदार गुफा बनाई हुई थी जो कि गत्ते की गुफा थी। इसकी लंबाई लगभग 700 मीटर से भी अधिक थी और इसके अंदर जो है काफ़ी सारे देवी देवतों के मंदिर भी थे, माँ वैष्णो देवी का, तिरुपति बालाजी का, बाबा भैरवनाथ का। यदि आपकी इच्छा है तिरुपति बालाजी की और आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं तो आप यहाँ पर भी जो है तिरुपति बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार की मूर्ति जो है कुरुक्षेत्रा में भी बनाई हुई है तिरुपति बालाजी की। और ये है गुफा जिसमें से काफ़ी तेज हवा पास हो रही थी। और यहाँ से ये रास्ता जाता है माँ वैष्णो देवी की गुफा की तरफ।
यहाँ पर है शेर की मूर्ति जो कि माता का वाहन है और इसी के सामने से जाती है बहुत ही संकरी सी गुफा। यहाँ पर आप साक्षात माँ वैष्णो देवी के पिंडी रूप में दर्शन कर सकते हैं। बाबा भैरवनाथ पे माथा टेकने के बाद हम आ जाते हैं बाहर की तरफ और यहाँ पर ये बाबा भैरवनाथ की गुफा है और यहाँ से हम अब चल देते हैं। और धूप के कारण जो है पत्थर काफी तप रहे थे, तो देखिए राहुल किस प्रकार की आवाजें निकाल रहा था। और जैसे ही हम सभी बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि धूप के कारण चप्पलें बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी, तो मैं मोहन भाई से बोलता हूँ भाई प्लीज़ मेरी चप्पलों पे फूंक मार दे, तो देखिए मोहन का रिएक्शन किस प्रकार से फूंक मारता है। अब हम चल दिए हैं खाटू श्याम की तरफ, तो हम आप सभी को यही बोलेंगे कि हमारा सेकंड पार्ट जरूर देखना। हम आपको बताएंगे कि आपको रात को कहां पर रुकना है और किस वक्त भीड़ नहीं होती है, किस वक्त और कौन सी लाइन में लग के माथा टेकना है। सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन सी लाइन में लगने से जो है आपको प्रॉपर दर्शन होंगे खाटू श्याम जी के।